एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस पर। जन्मदिन की पार्टी में गए युवक की हुई मौत, आम आदमी पार्टी निगम पार्षद पर हुआ हमला। योगी सरकार ने कहा बीजेपी के अगले कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से खत्म होगा नक्सलवाद। अब खबरें विस्तार से। यह वारदात दिल्ली के मौजपुर इलाके से दर्शाई जाती है। अपने साथियों के साथ पार्टी करने गए युवक की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों ने शव को मौजपुर चौक पर रखकर प्रदर्शन कर रोड को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय सचिन गुरुवार के दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे और साथ ही साथ सचिन ने बहुत दारू पी रखी थी। आम आदमी पार्टी पार्षद पर हुआ हमला। आम आदमी पार्टी पार्षद पर हुआ हमला। घर पर ही चला दी दनादन गोलियां और किया तोड़फोड़। नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में वारदात, जिसके चलते पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ पहले चोरी, हत्या करने की कोशिश, मारपीट जैसे धाराओं पर FIR दर्ज कर ली गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा बीजेपी के अगले कार्यकाल से खत्म होगा नक्सलवाद। बिलासपुर में फिर एक बार बीजेपी की ओर से एक नया बयान सामने आया है। बयान के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने यह बयान दिया है कि नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। यहां तक कि चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि 3 से 5 साल में भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा। तो या हर प्रकार की महंगाई को जनता की उपभोक्तावादी जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब के मांग को भारतीय जनता पार्टी ने नियंत्रित करके रखा है। जनता से जुड़ी भी कोई भी उत्पाद हो, चाहे वह कांग्रेस के समय किसी दाल की कीमत 150 रुपए थी, आज कितनी है? आधे से कम है। आज से 4.5 वर्ष पहले के दाम में आज के दाम में अंतर देखिए। जनता से जुड़ी भी जो आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके दाम न केवल नियंत्रित हैं, 2014 के पूर्व से काफी कम दाम पर वे आज भी जनता को उपलब्ध हो रही है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।